गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो ला रहा हूँ जो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड वीडियो है, वो है कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी कि भाई कितना पैसा लग गया मेरे को जर्मनी आने में। तो ये वीडियो मैं सोचा था पहले कि घर बैठ के आराम से बनाऊँगा, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को अपने शहर का टूर भी देता रहता हूँ बीच बीच में, थोड़ी इंगेजिंग भी हो जाएगी, आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाता रहूँगा अपने शहर की। तो ये जो कॉस्ट वाली वीडियो है ये बहुत सब्जेक्टिव है, इसमें मैं अपना प्राइस ब्रेकअप बताऊंगा, तो इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। सो ये जितना भी कॉस्ट है ये सारा मेरा लगा है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपका क्या क्या खर्चा होएगा, मेजर कहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगेंगे, कि जब आप अपने जर्मनी आने के फाइनेंस सेट कर रहे हो तो आपको ईजी हो जाए कि यहाँ यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगेगा, यहाँ यहाँ पर नहीं लगेगा। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बात आती है भाई, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने 2020 से स्टार्ट किया था जर्मनी का प्रोसेस, मतलब 2020 से मेरा बाहर आने का था कि मैं अब्रॉड जाऊंगा फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो तब डिसाइडेड नहीं था मेरा कि US होगा या जर्मनी होगा। तो जो 2020 में मेरा सबसे पहला खर्चा था वो ये था कि भाई मैंने GMAT करी थी, मतलब ट्यूशन लगा था मैं GMAT की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 की थी, क्योंकि मेरे को इतना पता था मैंने बिजनेस रिलेटेड मैनेजमेंट साइड आना है, टेक्नो मैनेजमेंट, तो उसमें US में तो खासकर GMAT की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जर्मनी में कुछ ज़्यादा खास नीड नहीं है। तो मैंने सिर्फ ट्यूशन लगा था, तो मैंने एग्ज़ाम इसलिए ही नहीं दिया था क्योंकि बाद में मेरा डिसाइड हो गया था कि मैंने जर्मनी ही करना है, और जर्मनी में एक दो कॉलेजेस थे जो GMAT मांग रहे थे, तो इसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके साथ के साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है भाई मेरी IELTS की। अब मैंने IELTS की कोई ट्यूशन नहीं ली थी तो मेरे को उसमें ट्यूशन में कोई खर्चा नहीं हुआ था, बट अगर आप देखो कि मैंने IELTS ना दो बार दिया था। सो पहला मैंने 2020 में दिया था पैंडमिक से पहले, सो जब 2022 में मैं अप्लाई करने आया था तो वो सारा एक्सपायर हो गया था, तो फिर मैंने IELTS दोबारा दिया था दो बार, मतलब फिर एक 2022 में दिया था, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आप लगा लो 28,000 से 30,000 था, क्योंकि एक टाइम आई गेस 13,000 था और जो अभी सबसे रिसेंट है वो 15,000 है। सो ऑन एन एवरेज आप लगाओ 28,000 से 30,000 उधर आ जाता था। उसके बाद जो मेरी जर्मन लैंग्वेज है वहाँ पे था थोड़ा खर्चा, जैसे अब मैंने इंडिया से ही A1 से C1 टेस्ट ड्राफ लेवल तक करी है, सो मेरा सीखने का खर्चा आप लगा लो इंक्लूडिंग एग्ज़ाम एंड ऑल, मतलब मेरा A1 से B2 मैंने चंडीगढ़ से करी थी तो वो थोड़ा अफोर्डेबल था, C1 एंड टेस्ट ड्राफ मैंने दिल्ली के एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से करी थी, सो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके मेरे एग्ज़ाम A2 का एक B2 के टेस्ट ड्राफ के एग्जाम, तो वो अगर आप सारी चीज़ें नोट करोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली बनती है अराउंड 1,20,000 के, जिसे आप कह सकते हो कि हाँ भाई नॉर्मल रेंज है। अगर आप A1 से C1 टेस्ट ड्राफ लेवल तक ट्राई कर रहे हो इंडिया में ही तो आपका इतना आराम से लग जाएगा अगर आप टेस्ट भी प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ केसेस में आपका ज़्यादा भी लग सकता है अगर आप सारे लेवल्स के एग्ज़ाम दे रहे हो। मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर 2 या 3 लेवल के बाद एक दे दो, अगर आप A1 का दे रहे हो तो डायरेक्टली फिर B1 या C2 दे दो, या आप A2 का दे रहे हो तो डायरेक्टली B2 या C1 का दे दो, सारे लेवल देने का फ़ायदा नहीं है, ऐसी पैसा वेस्ट होता है। हाईएस्ट ट्राई करो कि हाईएस्ट लेवल एक बारी में पहली बारी में क्रैक कर लो। सो मेरा ये था कि मेरा अराउंड 1,20,000 रुपये फिर लगा था लैंग्वेज पे। उसके बाद आती है बात मेरे कॉलेज अप्लाई करने के, कि मेरे कॉलेज अप्लाई में कितना पैसा लगा एंड वो सारी चीज़ें, तो वो मैं अब आपको बताऊंगा कि मेरा कॉलेज अप्लाई में कितना पैसा लगा था।
अब आते हैं मेरा अगला खर्चा जो था मेरे कॉलेज की जो मैंने एप्लीकेशंस के भरे थे उसमें कितना आया, मतलब मेरा 2021 में। सो 2021 में मैंने यूनिसिस से मतलब 3-4 कॉलेजेस भरे थे, उसमें से 2 पेड थे, 2 यूनिसिस में फ्री थे। सो जो 2 पेड भरे थे उनकी अप्रॉक्सीमेटली तब फीस अराउंड 8K पे करी थी, और मैंने उन कॉलेजेस में भी अप्लाई किया था जिनकी मतलब डायरेक्ट एडमिशन होती है, उनके पोर्टल में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो। सो वो भी मैंने किया था, वो सारे तो फ्री होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हो उनके पोर्टल में। कुछ कॉलेजेस है जिसमें मांगते हैं 25 यूरो समथिंग, तो वो भी मैंने नहीं भरे थे। बट फिर जिनमें मैंने भरा था तो उनमें कुछ कॉलेजेस में था जिसमें मेरे को पोस्टल डिलीवरी उनके अपने डॉक्यूमेंट्स करने पड़े थे, तो अगर आप वो सारा खर्चा लगाओ तो ऐसा हुआ था कि 8K अराउंड 8-9K मेरे यूनिसिस में लगे थे, और जिन कॉलेजेस में मैंने फिर डिलीवर किए थे अपने पोस्ट डॉक्यूमेंट्स वो आई गेस 3-4 थे, तो आप 8000 प्लस मैं उसका 4500, तो 5000 लगा के चल रहा हूँ। सो 8000 प्लस 5000 13000 मेरा 2021 को लगा था। इसमें मेरे वो भी थे कि इसी में मैं अपने डॉक्यूमेंट जो मैंने नोटरी करा के सर्टिफाइड कॉपी भेजी थी वो सारा इसी कॉस्ट के अंडर इंक्लूड हो जाता है। सो ये था कि मेरा, हाँ मेरा 13000 लगा था 21 को, और तब मेरे को अनफॉर्चुनेटली कोई एडमिट नहीं आया था, और उसके बाद फिर मैंने अपने कॉलेज के अप्लाई किया था इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो मैं इसमें कॉस्ट इंक्लूड नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ मेरा स्पेसिफिक केस है। सो जब फिर बात आती है 2022 की कि भाई मेरा 2022 में कितना लगा था, 2022 में मेरा ऐसा हिसाब था कि मैंने एक कॉलेज यूनिसिस पे अप्लाई किया था, तो उसमें मेरे लगे थे वही 75 यूरोस जो आपके सबसे पहली फीस लगती है 6700 के अराउंड। बाकी मैंने एक दो कॉलेजेस में डायरेक्ट अप्लाई किया था तो उनमें कोई नहीं था, जैसे FAU भी उनका पार्ट था, और मेरे को जब मैं बाकी कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने वाला था लेट जुलाई में, उससे पहले मेरे पास FAU का एडमिट आ गया, तो फिर मेरे वहाँ पे पैसे बच गए कि मेरे को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर मैंने बस FAU में डॉक्यूमेंट्स भेजे थे अपने इनरोलमेंट के लिए, तो उसमें मेरा 1500 का खर्चा आया था। अब बात आती है कि भाई मेरा एडमिशन के बाद कितना खर्चा आया, तो ये तो सारा मेरा खर्चा था एडमिट से पहले, अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एडमिट के बाद कितना खर्चा आया। भाई ये जो आप देख रहे हो ये मेरे पीछे है नूर्नबर्ग कैसल, यहाँ से मतलब यहाँ के ना सिटी का बेस्ट व्यू दिखता है, मतलब पूरी सिटी दिखती है, तो मैंने सोचा आपको इस वीडियो में वो भी दिखा दूँ। अब बात आती है मेरे अगले पार्ट की कि जब मेरा एडमिट सिक्योर हो गया था, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बाद क्या क्या खर्चा आया। उसके बाद जो खर्चा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट था, सबसे पहले मेरा ब्लॉक अमाउंट जो है 11,208 यूरोस, और साथ में एक्सपैट्रियो का कुछ आया था तो वो अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था 11,417 जो मैंने उस टाइम पे किया था आई गेस 9,36,000, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा। सो वो यूरो के रेट पे डिपेंड करता है। अब हमें ये फ़ायदा हो गया था कि जो अभी क्राइसिस चल रहे थे उसका यूरो डेप्रिशिएट हो गया था अच्छा खासा, तो हम जिन स्टूडेंट्स को जर्मनी अभी आना था तो उनके लिए थोड़ा सा सस्ता पड़ गया था। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एंड ऑल बढ़ी है, वो डिफरेंट टॉपिक है पूरा ऑल टुगेदर। हाँ ये था कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा सा आसान हो गया था भाई हम इंडियन स्टूडेंट्स को आना, मतलब इंडियन क्या हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को जर्मनी आना क्योंकि ब्लॉक अमाउंट सस्ता हो गया। उसके बाद था मेरा जो वीज़ा फीस हुई थी, वीज़ा फीस 8000 एक टाइम थी और 2000 एक टाइम, तो अप्रॉक्सीमेटली 10000 वीज़ा फीस। एंड देन मेरा फिर जो खर्चा आया था 35,000-36,000 की फ़्लाइट थी, और शॉपिंग में मैं सारी चीज़ें इंक्लूड करता हूँ, ये बहुत सब्जेक्टिव है, तो मेरा शॉपिंग समवेयर 1,00,000 के अराउंड हुआ था।
और इसके बाद मेरे को, जैसे आप लोगों को पता ही है कि अकोमोडेशन इंडिया से मिल गई थी, तो मेरा अकोमोडेशन का खर्चा था 1100 यूरोस का, जिसमें 2 मंथ का रेंट था और 500 यूरो की डिपॉजिट थी, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 90,000 के अराउंड था। तो ये सारा खर्चा तो जर्मनी आने से पहले दे के आया था। गाइज़ ये तो थी मेरी वीडियो कि मेरा कितना एक्सपेंस हुआ था जर्मनी आने का। मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कितना कितना खर्चा होता है, कि आपको आइडिया मिल जाए। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन। आपकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में से मेंशन कर देना, मैं ट्राई करूँगा सबका आंसर देने की। एंड अगर तो आपको, आप जर्मनी आ रहे हो या आपका कोई फ्रेंड जर्मनी आ रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना कि उन्हें आइडिया मिल जाए कि एक कितना एक्सपेंस हो जाता है अगर आप जर्मनी माइग्रेट होने की ट्राई कर रहे हो। इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल हेयर, डू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। मैं आप लोगों के साथ और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा इन फ्यूचर, कि आपके लिए आसान हो जाए जब आप जर्मनी आने की कोशिश कर रहे हो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ बिस बाल चूस।